Welcome back to Live Wire Transmission. I'm your host, Tarique and Javed. Now it's time to discuss cement sector. नाज़रीन, आज के अखबारों में सीमेंट के बारे में जो हेडलाइन लगी है वो ये है कि लाहौर से रिपोर्ट है, स्टाफ रिपोर्टर कहता है कि सीमेंट एक्सपोर्ट कंटिन्यू इज डिक्लाइनिंग ट्रेंड एंड वेंट डाउन बाय 27.11% इन नवंबर 2017 अगेंस्ट द सेम पीरियड ऑफ लास्ट ईयर। ये डाटा है रिलीज बाय ऑल पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, जिसमें ये कहा जा रहा है कि एक्सपोर्ट्स फ्रॉम साउथ बेस्ड मिल टू के मेजर हिट एज दिस वेंट डाउन बाई 45.4% फ्रॉम 0.192 टन, जो भी है 45% साउथ यानी कि सिंध वगैरह के जो बिल हैं वहाँ पर ज़बरदस्त कमी आई है एक्सपोर्ट में, और एक्सपोर्ट फ्राम नॉर्थ रीजन ऑल्सो डिक्रीज बाई 8% टू 0.278 मिलियन टन लास्ट मंथ फ्राम 0.35 मिलियन टन इन द सेम पीरियड लास्ट ईयर। हाउएवर द मिल situated in north dispatched 2.9 million tons of cement locally in November, which is 10% higher. The local dispatch in south rose by 8% in November 2016. locally cement ki demand theek hai, badh rahi hai, export mein kami aa rahi hai, to ye jo staff reporter ne likha hai usko main ye samjhata chalun ki aisa kyu ho raha hai. Iske bahut hi simple wajuhat hain. बच्चे से बच्चा, मेरा 5 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा भी समझता है, क्लास 5 वाला शायान खान, बड़े आसानी से समझाता हूँ लोगों को कि सीमेंट की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी पाकिस्तान में वो $36 थी, जो भी टन, ठीक है जी, मिलियन जो भी है, और एक्सपोर्ट मार्केट में जो अभी चल रहा है रेट वो 42-43 का चल रहा है, जबकि यहाँ लोकल मार्केट में हम 20 करोड़ जानवरों को, बेवकूफ़ों को, ना समझों को, जिनका कोई वाली वारिस नहीं है, ना कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कुछ कहता है, ना कोई मिनिस्ट्री कोई कुछ कहती है, ना फाइनेंस मिनिस्टर कुछ कहता है, ना प्राइम मिनिस्टर कुछ कहता है, ना मुस्तफ़ा कमाल कुछ कहता है, ना फारूक सत्तार कुछ कहता है, ना सिराजुल हक ऑफ जमात इस्लामी कुछ कहता है इस बारे में, ना नून लीग का बोलता है, ना काफ लीग का बोलता है, ना पीटीआई वाला बोलता है कि यहाँ के 20 करोड़ आवाम को ये सीमेंट बेच रहे थे अब तक $76 का, कहाँ 42 और कहाँ 76। अगर 20 करोड़ जानवर मिल गए उनको बेचने के लिए 76 में, तो वो क्या पागल हुए हैं कि एक्सपोर्ट के पीछे जाएंगे? एक्सपोर्ट के पीछे तो नहीं जाएंगे वो, यही वजह है घट रही है, लोकली बढ़ रहा है। हाँ, पिछले दिनों ये हुआ कि रोना पिटना बचा कि जो सीमेंट के ओवर प्रोडक्शन हो गई और इनका कार्टेल टूट गया, रेट नीचे आ गए और कोयले की कीमत बढ़ गई। कोयले की कीमत का बैकग्राउंड साहब यह है कि किसी ज़माने में कोयला $320 का होता था पर टन, घट के हो गया $60 का, आजकल थोड़ा सा बढ़ के हो गया 90 का, तो कहाँ 320 और कहाँ 90, अभी भी बहुत कम है। जो नए नए मिल आ रहे हैं, जैसे कि डीजे खान आ रहा है अभी 2.4 मिलियन का लेके हब पे, तो उसका उसकी वजह से लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जी डिमांड से ज़्यादा सप्लाई हो जाएगी, और कुछ मामला ऐसे हुए हैं कि किसी हद तक इनका जो कार्टेल था वो टूटा है, ये 600 पे बेचते थे अब 350 पे बेचने पर मजबूर हुए हैं, आपस में लड़ाई थोड़ी हुई है, विच इज़ अ वेरी वेलकम थिंग। तो माहरीन ने यह बताया, जो बड़े बड़े गलादारी के जैसे MD आते हैं फखरी साहब ने, कि साहब पहले तो लूट लगी हुई थी इस मुल्क में, 47% ग्रॉस मार्जिन, हम लोग 7% पे पागल हो गए खुशी से, और जो नॉर्मल इंडस्ट्री वाले हैं जहां कंपटीशन है 47% था, लेकिन अब जो है बिकॉज कीमत कम हो गई, थोड़े से कोयले की कीमत बढ़ी, तो कॉस्ट में साल को 36 से 38 हो गया होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं हुआ होगा क्योंकि थोड़ी से तो बढ़ाए, और क्योंकि कीमतें भी घटी हैं तो दोनों तरफ से कमी हुई है, इधर 38 हो गया, उधर 76 के बजाय जो है वो आ गया होगा, मिसाल के तौर पर 66 पे भी आ गया होगा, तब भी आप देखें कितना बड़ा गैप रह जाता है। तो हाँ, ग्रॉस मार्जिन फखरी साहब ने बताया था कि शायद 47 से घट के 37 हो गया, 37 भी बहुत बड़ा प्रॉफिट है। तो जो लोग
इंटरेस्टेड है शेयर सीमेंट सेक्टर में, उनके लिए उनको ये शो ज़रूर सुनना चाहिए। और इससे आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है तमाम सीमेंट कंपनीज में, सब पैसा पीट रहे हैं, बेइंतहा पैसा पीट रहे हैं, तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। रह गए हम 20 करोड़ जाहिल गवार बे लीडर के, कोई हमारा परेशान हाल नहीं है। हमें आप भी लूट रहे हो, हमें आटा वाला भी लूट रहा है, 15 रुपये के गंदम को 50 रुपये का आटा बना के बेचता है, और सारी दुनिया कौम देखती है, सिराजुल हक साहब देखते हैं, फजल रहमान साहब देखते हैं, पीटीआई के इमरान खान देखते हैं। अभी मैं थर पे गया था तो मैंने पूछा कि आटे की कीमत बताओ, तो कह लेगा आटा तो हम खाते ही नहीं भाई, बहुत महंगा है। हम तो खाते हैं, क्या बताया उन्होंने, जवार की रोटी खाते हैं, पता नहीं किस चीज़ की रोटी खाते हैं गरीब, वो भी 30 रुपये का है। बहरहाल ना, सब अंधे बहरे लीडर हैं यहाँ के, सब पैराग्रेड चोर हैं, सबको भत्ता मिलता है, सब खामोश बैठे हैं। तारिक खान बोलता है, बोलता रहेगा, पता नहीं कब तक बोलूँगा, किसी दिन मर जाऊँगा बोलते बोलते, लेकिन ये शोज़ रिकॉर्डेड हैं, ये जा रहे हैं यूट्यूब पे। जिसको भी पाकिस्तान का इंटरेस्ट हो, किसी स्टूडेंट को, किसी प्रोफेसर को, किसी इंटेलेक्चुअल को, तो ये शोज़ मेरे ज़रूर सुन ले। ये है असल बात, बाकी बातें बेकार की बातें। आटा अगर आज आप 15 रुपये का गंदम मंगा के थर वालों को बांट दो, तो वो ज्वार की रोटी नहीं खाएंगे, बाजरे की रोटी नहीं खाएंगे, आटा खाएंगे जो कि आराम से गले से उतरता है। खैराती इदारों को दे दो 15 रुपये में लाके, कोई टैक्स उसके ऊपर नहीं लगाओ, बोलो ईदी वालों को, बोलो ये सैलानी वालों को कि बांट जाके थर पारकर में और साउदर्न पंजाब में जहाँ सबसे ज़्यादा गुर्बत है, और फाटा में दे दो आटा लोगों को सस्ता, पिसवा के ले जाए, 2 रुपये पिसाई के लग जाएंगे। 20 रुपये में भी आप अगर आटा दे दें तो आधी तो भूख ख़त्म हो जाएगी मुल्क से। लेकिन ये मिल मालकान जिन्होंने मुझे मारने की भी धमकी दी जब मैंने डायरेक्ट फेसबुक पे बात की थी, ये नहीं होने देंगे। यही ज़्यादा MPM MNA बढ़ते हैं, क्योंकि रूरल एरिया में अगर आपको कोई ऊँची इमारत नज़र आती है तो वो आमतौर से आटे की मिल होती है, तो जाहिर है वो आटे बिल्डिंग को देख के तो आम आदमी उससे डरता है कि बहुत बड़ा आदमी है भाई, इसको वोट दे दो, नहीं दो तो मारेगा भी, और देंगे तो 1000 रुपये भी देगा, चलो भाई 2-3 दिन का खाना निकल आता है, या लंगर लगा देगा 15 दिन के लिए, सब लोग वोट दे देंगे उसको, कोई उसके लिए बड़ी चीज़ नहीं है। इसी तरह चीनी के बनमाश ग्रोअर कह रहे हैं, जो शाह साहब आते हैं हमारे शो में, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हम जो है ना 24 तारीख को फिर से CM हाउस पर धावा बोलेंगे, पिछले दफ़ा उनको भगा दिया गया था। वो 182 का रेट जो गवर्नमेंट ने ऐलान किया उसको नोटिफाई नहीं होने दे रही है शुगर मिल के मालकान, उन्होंने धमकी दे दी होगी CM को, डर गया होगा वो, इशू नहीं हो रहा 182 का, और काश्तकार कहते हैं 182 से कम हम लेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, हम मर जाएं भूख से कोई बात नहीं। थरपारकर का जो कोहली कबीला है वो भूख से मर जाएगा 1-2 हफ्ते के बाद, मगर इनको परवाह नहीं है, ना CM को परवाह है, ना बिलावल साहब को परवाह है, बिलावल को तो पता ही नहीं कुछ, बाहर से आया उसको कुछ भी नहीं पता, नज़रदारी साहब को दिल बहुत सख्त है उनका, उनको कुछ नहीं सुनाई देती, थरपारकर की भी आवाज़ नहीं, तारिक खान उनका क्लास कॉलेज का साथी है, मेरी भी आवाज़ उनको नहीं सुना देती, हाँ जब तारीफ़ी बात कर देता तो वो सुन लेते फ़ौरन, क्यों नहीं आप आटा सस्ता करते भाई, चीनी क्यों नहीं सस्ता करते, 35 रुपये की चीनी पूरी दुनिया में है, और यहाँ ये जो मिल मालकान है 65 हैं, जिसमें ये सारे जो बड़े बड़े नाम हैं सब वही लोग हैं, तरीन साहब जिनको नाहल किया गया उनके पता नहीं बहुत सारे मिल हैं, कहते कि जी 140 पे लेंगे, किसान कहता है कि जी हमारा कॉस्ट ही जो है 160 का है, तो हमें 12 रुपये भी प्रॉफिट नहीं होगा तो हम क्या बेचेंगे। और इस दौरान जो है क्योंकि वो ये नहीं खरीद रहे, अब इनका पॉलिटिकल अलायंस ऐसा है कि दे कैन डिक्टेट व्हाट एवर दे वांट, तो गन्ना खड़ा है उस पर पानी डाला जा रहा है, उसकी हिफाजत की जा रही है, उसकी उसके अंदर से वो पानी कम होना शुरू हो गया क्योंकि उसका मुद्दत पूरा हो चुका है, 15 अक्टूबर को कटने के बजाय अभी कटेगा 15 अगर नवंबर के बाद, 2 महीने की कमी का मतलब होता है उनकी वेट में मेजर कमी आ जाएगी, शुगर कंटेंट बढ़ जाएगा, तो विन विन सिचुएशन है फॉर दी मिल मालकान। अब इतना सूखा हुआ शुगर से भरा हुआ गन्ना भी अगर 182 पे नहीं लेंगे तो क्या करेंगे ये, और इन द मीन टाइम क्योंकि 2 महीने से नहीं कटी तो जो लोग खेतों में काम करते थे जैसे कोहली कबीला है और दूसरे कबीले जो बेचारे खेतों में आके आप देखते हैं कि सिंध में काम करते हैं, वो भूखे मर रहे हैं, जवार की रोटी और
बाजरे की रोटी भी उनको नसीब नहीं है, कुत्ता बिल्ली जो मिल रहा है उसी को खा रहे हैं। ये है गुर्बत का आलम आपके मुल्क में, और आप बातें करते हैं बड़ी बड़ी, मॉडर्नाइज करेंगे या ये करेंगे वो, क्या करोगे तुम लोग? चीनी 35 रुपये में मंगा के बांट दें लोगों को, उससे न्यूट्रिशन कुछ आ जाएगी, जो सूखे सूखे लोग हैं थोड़े मोटे हो जाएंगे, मगर नहीं करेंगे आप, क्योंकि वो मिल मालकान आपको वोट नहीं देगा, आपकी हुकूमत गिरा देगा। चीनी सस्ती करो, आटा सस्ती करो, दूध पूरे दुनिया में 22 रुपये लीटर मिल रहा है, मंगा के सैलानी वालों को दो बांटने के लिए, 25 रुपये में बांटो। इसी तरह सीमेंट पूरे दुनिया में इस वक्त 300 का है, यहाँ 350 या 400 का क्यों बिकता है? उसी रेट पे बिकना चाहिए जो इंटरनेशनल रेट हो, फिर भी ठीक ठाक प्रॉफिट मार्जिन रहेगा इनके पास। सीमेंट कंपनी अगर कीमत कम हो जाती है सीमेंट का, आप लोगों को फिर भी नहीं बेचता सीमेंट के शेयर, इसलिए कि फिर भी इतना रह जाएगा, अगर 37 के बजाय 27% भी रह जाए तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। ये आमतौर से 4-5% ग्रॉस मार्जिन हुआ करती है, तो आप बेचना नहीं शेयर। और हुकूमत से फिर से अपील भी करता हूँ, रिक्वेस्ट भी करता हूँ, पाँव भी पकड़ता हूँ कि भाई आटा चीनी दूध तीन चीज़ सस्ता कर दो, बहुत बड़ी गुर्बत ख़त्म हो जाएगी, अल्लाह आपको भी जजा देगा। और ये कंपटीशन कमीशन आपका पाकिस्तान को तो का जो भी हेड है उसको, उसके ख़िलाफ़ केस करना चाहिए मुझे कि क्यों नहीं तुम नोटिस लेते हो, इतना हाई रेट ऑफ स्टील बिक रहा है, इतने हाई रेट ऑफ पे सीमेंट बिक रहा है। स्टील के बारे में जनाब खबर यह है कि फैसलाबाद में जगह जगह लगा हुआ इश्तहार कि जी टमाटर ले लो 200 का, और हमारा लूम ले लो पुराना 35 रुपये किलो। 35 रुपये का लूम मिलता है जिसको आप पिघला के सरिया बनाते हो, सरिये की कीमत जो है इस वक्त 97 है, यानी एक किलो लोहे को प्रोसेस करने का 62 रुपये की कमाई है इनकी। अगर आपने सीमेंट स्टील के शेयर लिए हुए तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, दोस्त भी चल जाएगा, क्योंकि मार्जिन इतना ज़्यादा है कि इम्पोर्टेड इग्नोर ज़्यादा महंगा भी आ जाए ड्यू टू रेगुलेटरी ड्यूटी, फिर भी दोस्त जो है ना प्रॉफिटेबल ही होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा कम होगा लेकिन होगा। और बाकी जो लोग अपना स्क्रैप से बनाते हैं उनके तो प्रॉफिट का आप हिसाब खुद ही लगा सकते हैं। एक किलो पे 62 रुपये कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन कितना होना चाहिए, 10 रुपये भी नहीं होना चाहिए, तो 52 रुपीज़ का प्रॉफिट इस वक्त चल रहा है जनाब एक किलो पे। ऐसी प्रॉफिट दुनिया में कहीं नहीं होती, सिर्फ एक ज़ालिम मुल्क पाकिस्तान में होती है जहाँ के हुक्मरान सब ब्रीफ केस लेते हैं, ब्यूरोक्रेट ब्रीफ केस लेते हैं और ये होने देते जो हो रहा है। ज़्यादा ज़्यादा स्टील की कीमत 50 रुपये होनी चाहिए, या 97 में बिक रहा है, उसके बदले ब्रीफ केस पे ब्रीफ केस पहुँच रही है, SRO रेगुलेटरी ड्यूटीज़ ये सब के सब रिश्वत खा रहे हैं ऊपर वाले बैठे हुए। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ।